ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान फिर से दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल चर्चा ही चर्चा हो रही है, कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। जब तक कोई प्रारूप निकाल कर नहीं आता है, यह तय नहीं होता है कि हिंदू राष्ट्र होने पर क्या होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र राम राज्य जैसा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि पूर्वजों की गलती फिर से नहीं दोहराई जानी चाहिए। अनंत भूभूषण श्री ज्योतिष मठ पीठाधीशर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आज जन्मोत्सव, और जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से परमहंसी गंगा क्षेत्र जो है वहाँ पर मनाया जा रहा है। साथ में चातुर्मास जो है महाराज जी का यहाँ पर चल रहा है, हमारे साथ मौजूद है महाराज जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले INH और हरिभूमि परिवार से की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत भैया धन्यवाद आपको। महाराज जी, आज जन्मोत्सव है, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, किस प्रकार से आशीर्वचन आते हैं? बात यह है कि केवल चर्चा ही चर्चा हो रही है, कुछ ठोस काम उस बारे में नहीं हो रहा है। जब तक कोई प्रारूप निकल करके नहीं आता है, जब तक ये तय नहीं होता है कि हिंदू राष्ट्र होने पर क्या होगा, क्या गाय कटेगी कि बचेगी, गंगा बंधेगी कि बहेगी, मंदिर में राजनीति होगी कि धर्म होगा, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर अपने को चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित करो, अच्छी बात है, जहाँ ज़्यादा हिंदू है वहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि केवल नामकरण से क्या होगा। उसके लिए वैसा उसमें अर्थ भी होना चाहिए, वैसा वातावरण भी होना चाहिए। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस एक उड़ा दिया है गुब्बारा हवा भर के, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, जो देख रहा है वही हिंदू राष्ट्र जा रहा है। उस गुब्बारे में क्या है, वो कहाँ जाके गिरेगा, कुछ पता है किसी को? तो ऐसी परिस्थिति में अभी तो हमको नहीं लगता है कि किसी गंभीर व्यक्ति ने गंभीरता के साथ इस प्रश्न को उठाया हो। अभी तक बातें केवल आ रही हैं, कुछ आचार्य उठा रहे हैं, कुछ धर्माचार्य उठा रहे हैं, कुछ राजनेता उठा रहे हैं, लेकिन गंभीरता के साथ किसी प्रारूप के साथ अभी तक किसी ने भी इस बात को सामने नहीं रखा है। और जब तक कोई इस तरह से नहीं रखता है, तब तक बातें तो चलती रहती है, बहुत सारी बातें चलती रहती है। ये थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मुसलमानों से आह्वान किया है कि जहां पर भी उन्होंने बलात् कब्जा किया है उसको वो छोड़ें, और साथ में हिंदुओं को भी एक नसीहत दी है कि वो दृढ़ता से अपनी बात रखें, लेकिन उस कीमत पर नहीं जिस कीमत को उन्होंने चुकाया है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू INH 24x7।